साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हूँ। टैक्स सेविंग मंथ मैं कह रहा हूँ इसको, फाइनेंशियल ईयर 18-19 मतलब असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए ये टैक्स सेविंग मंथ है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आज मैं सैलरीड एम्प्लॉई लोगों के लिए टैक्स सेविंग के टिप्स बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूर ध्यान में रखने वाली बात है, तो एक एक करके आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 फॉर सैलरीड एंड पेंशनर्स। इसका मतलब कोई भी वेतनभोगी एम्प्लॉई है तो उनको 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तुरंत मिलने वाला है। जो भी आपका वेतन होगा उसमें 40,000 रुपए पहले ही माइनस हो जाएगा, चाहे वो सैलरीड अभी नौकरी कर रहा हो या फिर वो पेंशनर होगा, तब भी 40,000 रुपए की सीधी सीधी छूट मिलने वाली है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड मेडिकल रिइंबर्समेंट, नो मोर टैक्स एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए की हमको मिली है उसमें ट्रांसपोर्ट का जो अलाउंस है और आपका मेडिकल रिइंबर्समेंट है, ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, इसीलिए उस चीज को हम लोग अभी फिलहाल ध्यान में नहीं रखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है सेस हाइक्ड फ्रॉम 3% to 4%। इसका मतलब ये है कि जो सेस है, पहले 3% था टैक्स के ऊपर, अब वो 4% हो गया है। ₹50,000 इंटरेस्ट इनकम फॉर सीनियर सिटीजन टैक्स एग्जेम्प्टेड अंडर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 80TTB। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 50,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट हो चुका। मैंने अपने टैक्स प्लानिंग के पिछले वीडियो में भी ये वाली बात कही थी आप लोगों को। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट जो है वो 50,000 रुपए हो चुका है सीनियर सिटीजन के लिए, ये भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति जो इस साल रिटायर हो रहा है, वो 60 ईयर इस साल में होने वाला है, तो उसके लिए ये दोनों चीजें बेनिफिशियल है, एक तो इंटरेस्ट का 50,000 और दूसरा आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 50,000 रुपए। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 80DDB फॉर सीनियर सिटीजन अप टू ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए तक डिडक्शन मिल जाएगा 80DDB का, अगर वो मेडिकल का है तो। नेक्स्ट है 10% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबव ₹1,00,000 ऑन स्टॉक्स एंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब है स्टॉक एंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले क्या होता था कि 20% हम लोग को पे करना रहता था, लेकिन अब 20% ना पे करके हम लोग को सिर्फ 10% ही पे करना है। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 सैलरीड और पेंशनर्स को मिलेगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस अब नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ चुका है। तीसरा ये कि 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट इनकम, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम छूट है अगर वो सीनियर सिटीजन का है तो। चौथा 50,000 रुपए का 80D का मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसकी छूट रहेगी सीनियर सिटीजन को। ये सैलरीड वाला बोल रहा हूं इसमें सीनियर सिटीजन का मतलब ये दोनों पॉइंट उनके लिए अप्लीकेबल है जो इस साल रिटायर हो रहे हैं और 60 साल इसी साल आ रहे हैं। नेक्स्ट ये मैंने बोला कि सेस जो टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस लगता है, वो एजुकेशन सेस पहले 3% था, अब 4% हो गया, तो हमारा कैलकुलेशन वैसे चेंज होगा। सैलरीड पर्सन थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं कई बार कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया, तो आप इस नियम को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 80DDB का जो डिडक्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट का, उसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सातवां पॉइंट है हमारा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का होता था, वो अब 10% हो जाएगा 1,00,000 रुपए के ऊपर अगर है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड के ऊपर में। तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,00,000 के ऊपर है तो वो 20% ना होकर 10% होगा। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि हम लोग हर वीडियो में जो जो पॉइंट्स हैं, टेक अवेज हैं, उसको जरूर नोट करें कहीं पे, और इस महीने में ही हम लोग सारे प्लानिंग्स जरूर करें कि कैसे हम लोग को टैक्स बचाना है, कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है हम लोग को लॉ लीगल रूल्स पे चलना है, और उसके बाद भी हमको अपना बेस्ट पॉसिबल सेविंग करना है। तो दोस्तों आप कंटिन्यू लगे रहिए, इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, रिवर्स करके भी देखिएगा, वापस देखिएगा, और पॉइंट्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। आपके बेनिफिट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरे बेनिफिट के लिए एक छोटा सा काम करिए, नीचे जो कमेंट है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट करने से दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा,
और सब्सक्राइब मेरा अधिकार बनता है अब इतने दिन के बाद, और लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।